Hello friends, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जितने भी थे सबके बारे में डिस्कस कर लिया था. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर. This is Strasburger. ठीक है, प्लांट्स में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? Strasburger ने किया था. यहां पर हमें देखना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है, जो इवेंट्स हुए थे, गैमेटोजेनेसिस हो चुका है. नाउ द पोलन ग्रेन्स हैव ट्रांसफर्ड. ठीक है, ट्रांसफर की जो प्रोसेस थी पोलिनेशन, वो भी हमने कंप्लीटली देख ली है, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन दोनों के बारे में. अब क्या हो चुका है? पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा. ठीक है, मैं यहां पे स्टिग्मा का एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं. दिस इज स्टिग्मा. ठीक है, ये क्या है हमारे पास? स्टाइल. एंड दिस इज स्टिग्मा. पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो चुका है. फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास होगी, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, दिस इज पोलन ग्रेन, दिस इज द पोलन ग्रेन. ठीक है, कुछ जगहों पे ये एक्साइन की लेयर नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर इज द एक्साइन लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्पोरो पोलेनिन. यहां पर फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. ठीक है, यहां पे होगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. इट मींस पोलन ग्रेन पहुंच चुका है स्टिग्मा तक. यहां पर दिस स्टिग्मा आइडेंटिफाइज द कंपैटिबल पोलन ग्रेन. क्लियर, ये पोलन ग्रेन सेल्फ पोलिनेशन से भी आ सकता है, क्रॉस पोलिनेशन से भी आ सकता है. इसके बाद जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, दिस स्टिग्मा आइडेंटिफाई द पोलन ग्रेन. ठीक है, तो यहां पर जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, इट इज मेनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन. स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है वेदर इट इज कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल. ठीक है, तो यहां पर जैसे ही कंपेटिबल पोलन ग्रेन हमारे पास होगा स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा स्टार्ट सिक्रीटिंग अ लिक्विड. ठीक है, दैट इज सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा. ठीक है, जैसे ही स्टिग्मा ने एक शुगरी सब्सटेंस ना जो केमिकली सिक्रीट करता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस शुगर. क्लियर, वाटर एंड शुगर का मिक्सचर एक स्टिग्मा से सिक्रीट होता है और कंपेटिबल पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने के बाद ये सिक्रीशन हमारे पास होगा. जैसे ही स्टिग्मा इस सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, द पोलन ग्रेन्स स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग. और जर्मिनेशन कहां से होगा? जहां पे स्पोरो पोलेनिन की लेयर एब्सेंट है वहां से. बिकॉज स्पोरो पोलेनिन इज द रेजिस्टेंट सब्सटेंस, किसी भी केमिकल टेम्परेचर प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए पोलन ट्यूब कहां से जर्मिनेट होगी? जहां पे स्पोरो पोलेनिन की लेयर थिन है या एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर. इस एरिया को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर. और इस जर्म पोर वाले एरिया से पोलन ट्यूब का इमर्ज होगा, है ना, पोलन ट्यूब यहां से ग्रो करना स्टार्ट करेगी. तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा? थर्ड वन इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, पोलन ग्रेन के जर्मिनेट करने से उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. यहां पर पोलन ग्रेन्स मे बी वन और मोर देन वन. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस स्टिग्मा पे एक ही पोलन ग्रेन आएगा, एक टाइम पे एक से ज्यादा पोलन ग्रेन्स भी आ सकते हैं और एक से ज्यादा पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट भी हो सकते हैं. If the germination of one pollen grain will takes place, then that condition is called as monosyphonous condition. ठीक है? It means germination of only one pollen tube. And if
द जर्मिनेशन ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूबुल टेक्स प्लेस देन दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइफोनस कंडीशन. मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनोसाइफोनस कंडीशन हमें देखने को मिलती है और यहां से पोलन ट्यूब का ना सपोज हियर द पोलन जर्म पोर इज प्रेजेंट सो फ्रॉम दिस एरिया द पोलन ट्यूब स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग. क्लियर. पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन जब होता है उस टाइम पर पोलन ग्रेन हमारा जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उस टाइम पे पोलन ग्रेन हमारा होता है टू सेल्ड स्टेज में जिसमें टू सेल्स हैं. कौन सी वन लार्ज सेल दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल एंड द सेकंड वन इज स्मॉलर सेल विच इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल. दिस इज द टू सेल्ड स्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन. तो जब यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है ये टू सेल्ड स्टेज में हमारे पास है. ठीक है. थर्ड स्टेप दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. नेक्स्ट द फोर्थ स्टेप इज ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन. इसके बाद जो स्टेप हमारे पास आने वाली है दैट इज ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन. दिस इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. जो यहां पर वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल और जो स्टिग्मा पे प्रेजेंट केमिकल है इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ट्यूब फॉर द जर्मिनेशन और ग्रोथ. तो जैसे ही पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा द पोलन ट्यूब गेट्स पेनिट्रेटेड इनटू द स्टाइल. दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ स्टाइल. द स्टाइल मे बी होलो और सॉलिड. सपोज दिस इज द होलो स्टाइल. सिर्फ आउटर मोस्ट एपिडर्मिस की लेयर है और अंदर से स्टाइल क्या है होलो है. इस होलो स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब इजीली पेनिट्रेट हो सकती है. ठीक है. तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ. लेकिन यदि स्टाइल सॉलिड है ठीक है तो यहां पे यदि स्टाइल सॉलिड होगी तो दिस टाइप ऑफ सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट हियर. द पोलन ट्यूब पुशेस इटसेल्फ टुवर्ड्स द डाउन साइड. ठीक है. तो इसके लिए इसको यहां पे इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को पुश करते हुए आगे बढ़ना है ग्रो करना है. ठीक है. तो यहाँ पे स्टाइल सॉलिड भी हो सकती है और स्टाइल होलो भी हो सकती है. ठीक है. यदि होलो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इजिली पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और यदि सॉलिड स्टाइल है तो पोलन ट्यूब उन सेल्स को पुश करते हुए आगे की साइड ग्रो करती है. जब यहाँ पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाती है तो यहाँ पोलन ट्यूब टू सेल्ड स्टेज में है. वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड नरिशमेंट और जनरेटिव सेल जो है दिस जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली वन टाइम. ठीक है. तो यहाँ पे दो सेल्स थी. एक तो नरिशमेंट दे रही वेजिटेटिव या ट्यूब सेल जिसे हम कहते हैं. दूसरी सेल है जनरेटिव सेल. इसमें वन टाइम माइटोसिस डिविजन होगा और ये टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है. एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा तो टू सेल्स विल फॉर्म टू मेल गैमेट्स विल रिलीज. तो यहाँ पे जनरेटिव सेल क्या करेगी वन टाइम माइटोसिस डिवीजन से टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी. क्लियर है. तो यहाँ पर क्या होगा पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है और ये मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के साथ साथ ग्रो करते हैं. ठीक है. मैं इसको एक बार सेपरेटली और अलग से बनाती हूँ. सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन इन टाइम एंड दिस इज द एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है. दिस इज द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन. यहां से जर्म पोर से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है. क्लियर. मेल गैमेट इसमें से मूव कर रहे हैं. दीज आर द मेल गैमेट्स. जैसे जैसे मेल गैमेट जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है और जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है दिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल गैमेट टू मूव इनटू द पोलन ट्यूब. जैसे जैसे मूव करता जाएगा इसके आगे की साइड पोलन ये जो हमारे पास मेल गैमेट्स है मेल गैमेट्स और साथ में यहां पर एक कैलोज प्लग का फॉर्मेशन होता चला जाएगा. जैसे जैसे पोलन ग्रेन आगे मूव करेंगे अभी पोलन ग्रेन यहाँ टिप तक पहुंच गए मूव करते हुए तो यहाँ पे बीच बीच में कुछ टाइम इंटरवल पे कैलोज प्लग्स का फॉर्मेशन होता है ताकि ये कैलोज प्लग्स जो होते हैं ये
सेलुलोजिक प्लग्स होते हैं, ये क्या काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है इन डाउनवर्ड्स मूविंग मेल गैमेट्स को वापस ऊपर की साइड आने से रोकना, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी है वेजिटेटिव सेल का फॉर नरिशमेंट, तो ये उसमें फ्लोट करके वापस ऊपर की साइड ना आ जाएं, इसके लिए कुछ टाइम इंटरवल्स पे इसमें कैलोज प्लग्स का फॉर्मेशन होता है और पोलन ट्यूब जो है वो अपनी लेंथ में ग्रो करते हुए एग एपरेटस तक पहुंचती है, ठीक है। एग एपरेटस तक जब पोलन ट्यूब पहुंच जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अभी हम उसका एक बड़ा डायग्राम देखने वाले हैं, तो यहां पर पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, क्योंकि हमारे पास एग जो फीमेल गैमेट है इट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक में ये मूव करेगी। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, ठीक है। ओवरी को मैंने थोड़ा इनलार्ज किया है, हम इसके अंदर ओव्यूल ड्रॉ करेंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना, हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं और एंजियोस्पर्म में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है दैट इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इन विच अ फ्यूनिकल इज देयर, दिस इज द फ्यूनिकल, दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। इन एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल इज बाइटैग्मिक, इट मींस टू इंटेग्यूमेंट्स आर देयर, क्लियर, दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। ये है हमारे पास एम्ब्रियो सैक, थ्री सेल्स आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द चलाजल एंड, ऊपर वाला एंड कौन सा है, चलाजा, हम सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। थ्री सेल्स आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द चलाजल एंड, टू पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, वन लार्ज सेल दैट इज कॉल्ड एज एग सेल इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, एंड ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ माइक्रोपाइल टू स्मॉल सेल्स आर देयर विच आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। इस टाइप का स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक में है, यहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो चुकी है, ये पोलन ट्यूब हमारे पास आ रही है इस स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास, एग एपरेटस तक इस पोलन ट्यूब को पहुंचना है, क्लियर। तो यहां से ये पोलन ट्यूब जो है वो इस तरह से मूव करते हुए आती है। इस एग एपरेटस के पास पहुंचने के लिए पोलन ट्यूब के पास तीन रास्ते हैं, देर आर थ्री वेज ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। थ्री वेज कौन कौन से हैं, ये चलाजल एंड से एंटर कर सकती है, इफ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टेक्स प्लेस टूवर्ड्स द चलाजल एंड देन इट इज कॉल्ड एज चलाजोगैमी, क्लियर, इट मींस फ्रॉम दिस साइड दिस इज द चलाजल एंड और ये पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर करे तो चलाजोगैमी, इफ This takes place from integuments. Integuments के थ्रू भी ये एंटर कर सकती है, means यहां से आकर यहां से integuments के थ्रू ये एंटर करे तो इसे हम कहेंगे mesogamy. And the third and most common type that is through micropylar end. तो यहां से ये micropyle के थ्रू भी एंटर कर सकती है, ये एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोपाइल के एंड से ही 80% ऑफ द केसेस में यहीं से पोलन ट्यूब एंटर करती है एंड इट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी, क्लियर। तो हम जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। पोलन ट्यूब यहां से आ रही है, इस पोलन ट्यूब में ये टू मेल गैमेट्स है, दीज आर द टू मेल गैमेट्स,
जो मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए यहां एंड तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, एंड पार्ट तक पहुंच चुके हैं। बीच में इसमें कैलोज प्लग्स भी प्रेजेंट है, तो यहां पे कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स पे कैलोज प्लग्स का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली पोलन ट्यूब कहां पहुंचती है, इस माइक्रोपाइलर एंड के पास। माइक्रोपाइलर एंड के पास पहुंचकर ये पोलन ट्यूब दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड तक पहुंचती है, ठीक है। सपोज इस सिनर्जिड के पास पहुंच गई है। अब हम इन सिनर्जिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। ये सेंटर में हमारे पास है एग, दिस इज द वन सिनर्जिड एंड दिस इज द सेकंड वन सिनर्जिड। इस सिनर्जिड के अंदर, दोनों सिनर्जिड सेल्स के अंदर यहां पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। These are the finger-like projections. This structure is called as filiform apparatus. ठीक है, ये कहाँ present है? Micropylar end पे जो synergids हैं, उन synergids के अंदर present है filiform apparatus. Clear? तो इसको हम देखते हैं। अब इसकी entry, मैं इसको यहाँ पे फिर से draw करती हूँ। This is the egg and these are the synergids. This is the filiform apparatus inside it. ठीक है, यहां से आ रही है पोलन ट्यूब। ये आ गई पोलन ट्यूब, वन ऑफ द सिनर्जिड के पास से पोलन ट्यूब मूव करती है। इसके अंदर प्रेजेंट है मेल गैमेट्स, ठीक है। जिस सिनर्जिड के पास ये जाती है वहां से वो सिनर्जिड जो है इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग। इस सिनर्जिड के पास आई है तो ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस सिनर्जिड के पास आई है तो ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस भी सिनर्जिड के पास ये जाती है, द सिनर्जिड स्टार्ट्स डीजनरेटिंग टू गाइड द मेल गैमेट्स टूवर्ड्स द एग, ठीक है। जैसे ही ये यहां सिनर्जिड तक पहुंचेगी, पोलन ट्यूब बर्स्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ट्यूब्स को बर्स्ट करने के लिए। पोलन ट्यूब बर्स्ट होगी और दोनों मेल गैमेट्स जो हैं वे किसमें रिलीज हो जाएंगे, इस फिलीफॉर्म एपरेटस में। और यहां पर जब फिलीफॉर्म एपरेटस के पास ही आएंगे, दिस फिलीफॉर्म एपरेटस सेल स्टार्ट्स डिजनरेटिंग, तो ये सेल यहां से डिजनरेट हो जाएगी। दिस फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द एग एपरेटस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, दोनों मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट कहां चला गया, एग एपरेटस के पास। जैसे ही ये इस एग एपरेटस के पास जाएगा, तो यहां पे प्रेजेंट है एग, दिस इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद इट, इट इज आल्सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो हमारे पास बनेगा, दैट इज जाइगोट, which is diploid structure. Clear? This process is called as fertilization. ठीक है, जहां पे male and female gamete का fusion हुआ है, that is called as fertilization. It is also called as syngamy. ठीक है, true fertilization और syngamy. तो यहां पर एक male gamete तो fuse हो गया egg के साथ, बचा हुआ जो सेकंड मेल गैमेट है, इट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल, ठीक है। तो यहां पे टू पोलर न्यूक्लियाई हैं, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई, बोथ ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, सो एन प्लस एन, बोथ आर द हैप्लॉइड नंबर। नेक्स्ट इट फ्यूजेस विद वन मेल गैमेट व्हिच इज आल्सो हैप्लॉइड, and the formation of a triploid nucleus will takes place. This triploid nucleus is called as primary endosperm nucleus. ठीक है, यहाँ पे जो formation हुआ है हमारे पास egg और male gamete के fusion से हुआ है zygote formation. This is primary endosperm न्यूक्लियस, PEN भी हम इसे कहते हैं। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म,
विच इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। और ये जो फ्यूजन हमारे पास हुआ है, जहां पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं 2 जगह पे फ्यूजन हुआ है। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। 2 जगह पे फ्यूजन हुआ है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय नवाश्चीन। ठीक है, नवाश्चीन ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नेम आप ध्यान रखेंगे, दिस इज नवाश्चीन, विच एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन विच टाइप ऑफ प्लांट, इन द लिलियम प्लांट्स। ठीक है, लिलियम प्लांट्स में इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया था। सो दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन। अब हमें यहां पे देखना है, यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, इसका जो इवेंट्स है इसकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है हमारे पास, तो सबसे पहले प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्लियर, जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट यहां पे फॉर्म होगा, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इज ट्रिपल फ्यूजन, क्लियर, सेकंड नंबर पे ट्रिपल फ्यूजन, जहां पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। थर्ड वन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, विच विल गिव राइज टू द एंडोस्पर्म, दैट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो यहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फॉर्म द एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू, एंड आफ्टर दैट द जाइगोट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन फर्स्ट स्टेप पे हो जाएगा, बट जाइगोट फॉर्मेशन कहां पे होगा, लास्ट स्टेप में, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद, मींस एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है उसके फॉर्म होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है इट विल गिव नरिशमेंट टू द जाइगोट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यदि जाइगोट फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इस डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट देता है और वहां से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो दिस इज द इवेंट, जो सिस्टम है उसका इवेंट है कि किस तरह से क्या क्या काम पहले होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बट जाइगोट विल नॉट फॉर्म। सेकेंड इज ट्रिपल फ्यूजन, थर्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म विल फॉर्म, एंड द फोर्थ वन इज जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिटिव टिश्यू बनने के बाद ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, तो उसके लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो टिश्यू बनेगा दैट। क्लियर, होपफुली आपको फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एंडोस्पर्म फॉर्मेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर, पिछले वीडियोज में आप क्लियरली इसको देखेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।